ये खुशियों का भंडार देती है, खुशियों का आडंबर देती है और खुशियों के लिए अच्छी बात है। हम केवल वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बोलते नहीं, हम करके भी दिखाते हैं। सबको सहारा दिया, सबको अपनाया, सबका साथ किया, सबका विकास किया। जिनका हरेशमेंट हुआ, दुत्कारा गया, वो भारत में आए, भारत ने उन्हें स्वीकार किया और भारत उनको नागरिकता देने के लिए कटिबद्ध हुआ। लेकिन जब पिता की मौत हो गई, तब उसे एक ऐसा सहारे की जरूरत थी जो उसे सहारा भारत में मिला और वो आई। और यहाँ आने के बाद खुशखबरी की बात है, हिंदू धर्म ग्रहण करता है, जो आता है प्यार करता है, खुलेआम आता है, उसका भारत में पूरा सम्मान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारत में CAA कानून लागू हो गया है और यकीनन इसको लेकर के चर्चा भी तेज हो गई है कि अब क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों पे भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ बात करेंगे जिस तरीके से सीमा हैदर, यानी कि सीमा मीना कहें तो गलत नहीं होगा, सीमा सचिन मीना को लेकर के उनका केस लड़ रहे हाई कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर्स, अगर बात की जाए APC सिंह हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनकी नागरिकता में क्या कुछ अब आसानी हो जाएगी, क्या कुछ है। आइए सबसे पहले CAA को समझते हैं कि वो आखिर में है क्या, क्या कुछ उसके प्रावधान है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम देर रात से लागू किया गया है, इसके बाद क्या कुछ बदलाव हैं, इसके क्या कुछ नियम हैं, क्या प्रावधान है, वो हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, भारत सरकार ने जो अपना वादा किया था, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, जो चुनावी वादा भी था, राजनीतिक वादा भी था, सामाजिक वादा भी था, धार्मिक वादा भी था और ज़रूरत भी थी और दुनिया को दिखाने की ज़रूरत थी कि हम केवल वसुधैव कुटुम्बकम बोलते नहीं, हम केवल वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बोलते नहीं, हम करके भी दिखाते हैं। इस कानून के आने से पाकिस्तान के आए हुए शरणार्थी, अफगानिस्तान के आए हुए शरणार्थी, बांग्लादेश के आए हुए शरणार्थी जो भारत में थे, भारत में रह रहे थे, जिन्हें उन देशों में टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया फिजिकली, फाइनेंशली, मेंटली, जिनका हरेशमेंट हुआ, दुत्कारा गया, वो भारत में आए, भारत ने उन्हें स्वीकार किया और भारत उनको नागरिकता देने के लिए कटिबद्ध हुआ और इसके तहत दिखाया। सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ये धर्म है सबको, इनको मानने वाले हिंदू धर्म, इनको मानने वाले सबको जगह दी, सबको मान्यता दी, सबको विश्वास दिया, सबको सहारा दिया, सबको अपनाया, सबका साथ किया, सबका विकास किया, ये उनका चुनावी वादा था। आज लोगों को विश्वास हो गया है इस नागरिकता संशोधन अधिनियम पास होने से कि मोदी जी की गारंटी विश्वास लायक है। मोदी जी का विश्वास, मोदी जी की गारंटी भरोसा देती है, विश्वास देती है और उन्हें करके दिखाया। और इसी का जो CAA है, इससे सीमा सचिन मीना, जो सीमा पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान में उसका तलाक हुआ, पाकिस्तान में मारी गई, पीटी गई, परेशान की गई, तलाक के बाद दुखी हो गई, अपने अब्बा जान की मौत होने तक वहाँ अपने जख्मों को सहेजती रही, अपने बच्चों को किसी तरह पालती रही, 4 साल पहले तलाक होने के बाद, जब सब ने सहारा छोड़ दिया। लेकिन जब पिता की मौत हो गई, तब उसे एक ऐसा सहारे की ज़रूरत थी जो उसे सहारा भारत में मिला और वो आई। और यहाँ आने के बाद खुशखबरी की बात है, आज जब हम यहाँ शादी का जश्न मना रहे हैं रघुपुरा में सीमा सचिन मीना के घर पे आज यहाँ, तो ऐसे एक दिन पहले CAA का कानून लागू होना, इसकी अधिसूचना जारी करना, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना करना, ये बहुत डबल खुशी देती है, ट्रिपल खुशी देती है, ये खुशियों का भंडार देती है, खुशियों को आडंबर देती है और खुशियों के लिए अच्छी बात है। ये भी जानना चाहूँगी कि सीमा को नागरिकता दिलाने में अब चुनौती कितनी आसान हो गई है। नहीं, चुनौतियाँ कभी नहीं थी जी। जो हमारे देश में सनातन धर्म ग्रहण करता है, खुले दिल से सनातनी बनता है, हिंदू धर्म ग्रहण करता है, जो आता है प्यार करता है, खुलेआम आता है, उसका भारत में पूरा सम्मान है, मान है, मर्यादा है, आदर है। भारत ने सदैव महिलाओं को आदर दिया है, सम्मान दिया है। और कई जगह ऐसा है जहां पाकिस्तान को ही ले लें, महिलाओं का आदर नहीं है, पाँव की जूती समझते हैं, पावदान समझते हैं, महिलाओं का आदर नहीं होता, महिलाओं का सम्मान नहीं होता। लेकिन भारत में महिलाओं का सम्मान है। मैं कहता हूँ, इस्लाम में कहाँ लिखा 4 शादियाँ करना, किस शरीयत में लिखा बताइए आप, नहीं है। लेकिन नहीं, 4 के लिए बनाए पड़े हैं अपने। तो भारत ने उस ट्रिपल तलाक को भी क्वैश किया। आज भी पाकिस्तान में मौखिक तलाक है, भारत में ऐसा नहीं रहा। कोई कभी चाहे खड़ा हो, पति कितनी भी उसकी बीवी गिड़गिड़ाती रहे, कितनी भी उसकी बीवी बच्चों को लेके भीख मांगती रहे, कितनी भी बीवी बच्चों के लिए
तरसती रहे, हाथ जोड़ती रहे, लेकिन जब चाहें उनका जब मन होता है ठीक है, मैं आपसे तलाक दे देते हैं, मौखिक तलाक होता है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि केंद्र सरकार के इस नियम को लेकर के लगातार उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो संपूर्ण रूप से संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक नाता संविधान से जुड़ा हुआ है, तो मैं उससे जानना चाहूंगी क्या यकीनन ऐसा है कि संविधान को बदला जा रहा है या उसको बदला जा सकता है? देखिए, संविधान में जहाँ जहाँ जब जब जरूरत पड़ी हम लोगों ने संशोधन किए, सुधार किए। हमारा देश का संविधान, हमारे देश की कानून, हमारी विदेश की व्यवस्था लचीली है। जब जब जहां जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो उसके आधार पर बदलाव किया गया, परिवर्तन किया गया, और यही इस मामले में भी ठीक है। क्योंकि एक तरफ सीए की बात हम कर ही रहे थे और दूसरा आज अगर बात की जाए तो आपने बताया कि एक बार फिर से विवाह की सारी चीज़ें होंगी। आज यहाँ पर सीमा जी की शादी दोबारा होगी, उनका एक साल पूरे हुए शादी के सालगिरह के, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आज उनका भाई कर रहा है? देखिए, एक साल पहले आज के दिन सीमा सचिन मीना ने नेपाल में मंदिर में शादी की थी जी। उस समय उनका परिवार शामिल नहीं था, उनके सास ससुर शामिल नहीं थे, देवर जेठ जेठानी शामिल नहीं थे, उनका भाई शामिल नहीं था, उनकी माँ शामिल नहीं थी, उनका मायका शामिल नहीं था, उनका ससुराल नहीं शामिल था, मीडिया शामिल नहीं थी, कितने लोग नहीं स्टॉक होल्डर हैं वो नहीं शामिल थे। आज सब शामिल हो रहे हैं, आज ये सबको शामिल होने का अवसर है, आज सब आएंगे उस खुशी में और उसको पूरी तरह से पूर्णता के साथ करेंगे, तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, अच्छा अवसर है और ये खुशी होनी चाहिए। ये भी जानना चाहेंगे कि इस कदम से क्या लगता है पाकिस्तान और गुलाम हैदर पर किस तरह का तमाचा पड़ने वाला है? नहीं, मुझे मैं किसी के तमाचे नहीं मारता, वो बुराई करें हम भलाई करें, अपन को तो भारत सरकार सीए लागू करती है, अपन के लोग यहाँ देख रहे कितनी खुशियाँ मना रहे हैं, आप सब कितने खुश हैं। आज देखिए उधर हम सुबह कहाँ थे, दोपहर को अनुराधा चौधरी, लेडी डॉन, रिवॉल्वर किंग, तड़ी कार, ऐसे ऐसे चलते थे, कितनी बड़ा नाम अपराध की दुनिया का बना दिया था नाम। हमने उसके मुकदमे लड़े, जोधपुर लड़े, जयपुर लड़े, भीड़माना लड़े, बीकानेर लड़े, जैसे सब पर बाइज्जत बरी कराए, और आज वो अपने उस प्यार को जो उसने भी एक साल पहले मंदिर में शादी कर ली थी, एक साल पहले मंदिर में शादी की थी बताया मुझे, आज हमने उसकी पूर्णता के साथ, उस भव्यता के साथ, उस सुंदरता के साथ, उस सजावट के साथ, उस प्यार के साथ, उस रिश्तेदारों के साथ, उस समय कोई रिश्तेदार नहीं था, आज संदीप काला जठेरी बहुत बड़ा क्राइम में नाम बना दिया गया, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेरा, इतने बड़े बड़े नाम बना दिए गए, लेकिन आज उनके परिवार के लोग शामिल थे, और हमारी माननीय अदालत ने परमिशन दी, इनकी शादी कराइए, शादी हुई, अब कल गृह प्रवेश होगा, आप लोग भी थे, सब थे, वहाँ थे, तो ये हमारा प्यार है। हमारे देश की माननीय अदालत हो, संविधान हो, कानून हो, पुलिस हो, कितनी पुलिस व्यवस्था थी, 2,500 पुलिस वाले थे व्यवस्था में, थे ना व्यवस्था में, चाक चौकन, छत से लेके वहाँ से लेके वहाँ से ले, मेहमानों की लिस्ट जारी हुई, लिस्ट के मुताबिक एंट्री हो रही थी सबकी, और कोई नहीं था, लेकिन हम पहुंचे। भी है आपकी जो जनता को भा रही है? नहीं, ये प्यार है, घर बसाना, खुशियां लाना, खुशियां देना, हमें इसमें खुशी मिलती है। हाँ। हमें तो गाली देने में खुशी कभी नहीं मिलती, हमें किसी का घर बर्बाद करने में खुशी नहीं मिलती है। हाँ। हमें किसी को सहारा देने में खुशी मिलती है, हमें धक्का देने में खुशी नहीं मिलती, हमें किसी को उठा के खड़ा कर देने में खुशी मिलती है, हमें उसे थोड़ा चला देने में खुशी मिलती है, हमें उसे इतना दौड़ाने में खुशी मिलती है वो पीटी ऊषा बन जाए, हमें ये खुशी मिलती है। लेकिन विरोधी दल तो आपकी टांग खींचने में हमेशा आगे रहते हैं। वो टांगों में ही रह जाएंगे, वो रह जाएंगे नीचे, उनका काम ही वहां लगे रहना, हमारी दब जाती है टांगे, हम जो खींचना कहते हैं ना, हम कहते हैं हमें आराम मिल जाती है, वो दबा देते हैं हमारी टांगे। हाँ। वो खींचने में लगा देते हैं, हम तो उनमें के हैं साहब, जो पत्थर भी फेंके तो हम सारे पत्थर इकट्ठा करके बदरपुर और सीमेंट बना के एक अच्छा सा मकान बना के छत डाल के उसमें अंदर बैठ जाते हैं, सोफा डाल के, वो पत्थर फेंके, उनका काम है, उनकी बात।